हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर सीएम ने सदन में क्या कुछ कहा, यह आपको सुनवाते हैं। 2014 में कांग्रेस की सरकार जिस समय थी उसमें 7,500 रुपए इनका मासिक वेतन था और जो आज बढ़कर के वो 12,661 है। अब प्रावधान क्या है, ये सेंटर तय करता है कि इनको कितना पैसा देना है। नियम है 60-40, आज सेंटर की ओर से इनका 4,500 रुपया तय है, उसको वेतन नहीं कहेंगे, वो ऑनरेरियम है, क्योंकि गांव के गांव में करना होता है और उन्हीं को सुविधा दी जाती है, यहां जिसको रखना अपना रख लें। हम फिर भी उस 4,500 में सेंटर का शेयर 2,700 है, हमारा 1,800 है, लेकिन हम 1,800 की जगह आज 9,961 रुपए दे रहे हैं। मानधन में कहीं भी कमी नहीं है, और अगर दूसरे प्रदेशों के मानधन से मैं तुलना करूं तो हरियाणा का एक तेलंगाना को छोड़ करके सर्वाधिक वेतन, यानी वेतन नहीं, आंगनबाड़ी को जो ऑनरेरियम देते हैं, मानधन देते हैं, सर्वाधिक देते हैं 12,600, पंजाब में 9,500, छत्तीसगढ़ में 6,500, मध्य प्रदेश 10,000, दिल्ली 9,600, राजस्थान 10,500, पांडिचेरी 6,400, ऐसे ही ये वर्कर्स का है। और अगर हेल्पर्स की बात करें वो भी यही स्थिति है, हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं। आज की स्थिति यह है 65% आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स वो ड्यूटी पर है, 35% है जो बाहर सड़कों पर है। अब ये स्थिति हर एक अगर दबाव में ये सारे काम करने लग गए तो दबाव में तो कभी कोई काम चलता नहीं है। अगर हर 6 महीने में साल में सबको अपनी मांगे रखनी होती हैं और हम कोई पीछे नहीं है, ना इनमें, ना आशा वर्कर में, ना और चीजों में, जहां भी इस प्रकार के वॉलंटियर्स का विषय है हम किसी में पीछे नहीं है। लेकिन जो श्रोता होता है उसको लागू रखना पड़ता है। और यह भी खेद की बात है कि मानने के पीछे, ना मानने के पीछे कुछ पॉलिटिकल लोग